हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। काले चने की सब्जी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे ये काले चने, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा है, 3 प्याज के पेस्ट, 2 टमाटर के पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 तेज पत्ता, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हम चना को पकाएंगे, उसके लिए हम प्रेशर कुकर लेंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब काले चने को ऐड कर देंगे, जिसको हमने भिगो कर फुला दिया है। अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। हमें अभी पूरा नमक ऐड नहीं करना है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी तक बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 सीटी लग गई है और चना अच्छे से पक गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अगर 5 सीटी के बाद भी चना अच्छे से पके नहीं तो आप और 1 से 2 सीटी लगा सकते हैं। तो अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम होते ही हम इसमें 1/4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गरम होने देंगे। अब ये ऑयल गर्म हो गई है तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 तेज पत्ता भी ऐड करेंगे और मिक्स करके 1 से 2 सेकेंड के लिए इसे क्रैकल होने देंगे। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चा फ्लेवर चला ना जाए। तो अब ये मसाले अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें प्याज की पेस्ट ऐड कर देते हैं और इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का प्याज यूज़ किया है। अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इन सबको फ्राई करते टाइम हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो अब ये जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमें इन सबको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर के पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक भी और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज टमाटर का यूज़ किया है और इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो बारीक काट के भी टमाटर इसमें डाल सकते हैं। टमाटर को भूनते टाइम भी हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक
इन मसालों से तेल ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चना ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर ली थी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ। हमें चना को 2 से 3 मिनट तक इन मसालों के साथ फ्राई करना है। तो अब ये चना अच्छे से मसालों में मिल गई है और फ्राई भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे छोले का जो उबला हुआ पानी था उसे डाल दिया है। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, आपको ग्रेवी की जितनी थिकनेस रखनी है आप उतना पानी डाल लीजिए। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, और फिर से इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब गैस बंद कर लेते हैं। इसकी जो ग्रेवी है ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगी। तो ये काला चना बनकर बिल्कुल रेडी है। आप ये काले चने की सब्जी को पराठे या पूरी या किसी भी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो।